अगर आप शेयर मार्केट में तीन चार साल पहले से हैं, तो आप ये तो जानते ही होंगे कि एच डी का शेयर कहां से कहां पहुंच चुका है तो ऐसे में मुझे तो बहुत अफसोस हुआ था कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाई आपको भी हुआ होगा ना अगर हाँ तो अभी भी देर नहीं हुई है अगर आप चाहते हैं मेरी तरह इन्हीं सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करना तो एक और रास्ता है अगर हम ऐसा सोचे कि एच डी एफ सी एम सी की ग्रोथ किन और कंपनी से जुड़ी हुई है जैसे कि कैम्स अगर हम कैम्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो हम इन ए एमसी का एक्सपोजर ले सकते हैं तो आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे की टाटा मोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा को प्रोडक्ट सप्लाई करती है हेलो वेलकम बैक टू टिकर मैं कीर्ति आज हम बात करने वाले हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के आईपीओ के बारे में जानेंगे इस कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें जैसे कि कंपनी प्रोफाइल रिस्क स्ट्रेंथ्स फाइनेंशियल्स एंड और भी बहुत सारी चीजें लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है ऑटोमेशन एक लीडिंग इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिशन कॉम्पोनेट मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी मेजरली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड मैनुफ मैन्युफैक्चरिंग करती है देखा जाए तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1986 में कोयम्बतूर में करंटली इनके 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अक्रॉस सेवन सिटीज

एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स ट्रैक्टर्स एंड ऑफ हाईवे व्हीकल्स और जिस टाइप के प्रोडक्ट्स ये इस कैटेगरी में बनाते हैं वो है सिलेंडर ब्लॉक्स ट्रांसमिशन पार्ट गियर बॉक्स हाउसिंग्स एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे इस टेबल से आप देख सकते हैं कि पावर ट्रेन एंड ट्रांसमिशन के टोटल मार्केट शेयर में कमर्शियल वहीकल ट्रैक्टर्स यूटिलिटी व्हीकल्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का कितना मार्केट शेयर है और इवन फाइनेंशियल ईयर 2024 तक इस पर्टिकुलर सेगमेंट में 12 से 14 परसेंट का सी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस सेगमेंट में ये कंपनी मोस्टली मशीनिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट सेल्स करते हैं और डायरेक्ट डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट को केटर करते हैं जिसमें से इनके कुछ की कस्टमर्स है डायमलर इंडिया टाटा मोटर और भी बहुत सारे। अब अगर हम इस particular segment से आने वाला देखें, तो वो कुछ इस तरह है। Even अगर हम देखें, तो उनके ऑटोमोटिव पावर ट्रेन एंड अदर सेगमेंट में उनका manufacturing unit का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कुछ इस तरह है अगर हम देखें तो 2018 थाउजेंड एटीन में उनकी टोटलिटी थी नाइनटी थ्री परसेंट फिर इसके बाद उन्होंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके तो ऐसा करने के बाद 2019 एंड ट्वेंटी में उनकी यूटिलाइजेशन हो गई 89 एंड 71 परसेंट अब बात करते हैं इनके सेकेंड सेगमेंट की जो है ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स और इस सेगमेंट में इनके की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है क्रैंक केस एंड सिलेंड्रिकल ब्रॉक्स फॉर टू व्हीलर्स इंजन एंड स्ट्रक्चरल पार्ट्स फॉर पैसेंजर व्हीकल्स एंड गियर बॉक्स हाउसिंग फॉर हैवी कमर्शियल व्हीकल्स ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो ये नॉन फेरस मेटल्स को यूज़ करते हैं नॉन फेरस यानी कि ऐसे मेटल्स जिसमें आयरन नहीं होता इन्हें एलॉयज़ भी कहा जाता है जैसे कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से व्हीकल के वेट्स को रिड्यूस किया जा सकता है और उस हिसाब से अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम कास्टिंग मार्केट की बात करते हैं तो 2025 तक 6 टू 8 परसेंट की सी तक वो ग्रो कर सकता है ये जिस टाइप का काम एल्यूमिनियम प्रोडक्ट सेगमेंट में करते हैं उसमें डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट फाउंड्री एंड कास्टिंग प्रेसिशन मशीनिंग एंड असेंबली फिनिशिंग इंक्लूडेड है और इस सेगमेंट में इनके की कस्टमर्स हैं डायमलर इंडिया रॉयल एनफील्ड महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड मोटर्स। अगर हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आने वाले रिवेन्यूज देखे तो वो कुछ इस तरह है टू से टू में फोर परसेंट का सी ग्रोथ हो चुका है इवन अगर हम देखे तो उनके ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट सेगमेंट में उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अगर हम देखें तो 2018 में उनकी टोटल परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी 71% परसेंट। फिर इसमें भी उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज किया अगर इस सेगमेंट के उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो वो 2020 में 792 मिलियन तक रहा है अब आते हैं इनके थर्ड सेगमेंट की तरफ जो है इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सेगमेंट इस सेगमेंट में ये हाई एंड सब असेंबली प्रोडक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पावर ट्रांसमिशन गियर एंड गियर बॉक्सेस शीट मेटल फैब्रिकेशन, एस मैन्युफैक्चरिंग टूल रूम एंड मोल्ड बेस और इस सेगमेंट से उन्हें जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो है 2018 से 2020 में 13.86 परसेंट का सी ग्रोथ हो चुका है अब जैसा कि हमने इनके सारे प्रोडक्ट सेगमेंट को समझ ही लिया है बट जैसा कि हमने बताया कि इनके कुछ गिने चुने क्लाइंट्स हैं जिन्हें ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं तो ऐसे में ये डर आ ही जाता है कि अगर कल को इनके क्लाइंट्स की प्रोडक्ट के लिए डिमांड कम हो गई या फिर मार्केट में कोई और यही प्रोडक्ट को कम रेट्स पे प्रोवाइड करने लग गया तो इनके कस्टमर्स स्विच भी हो सकते हैं और देखा जाए तो इनके टॉप टेन क्लाइंट से इन्हें काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रिवेन्यू जनरेट होता है जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि इनका 2020 में 51 तक का सिर्फ टॉप क्लाइंट से ही आया है है तो ये काफी बड़ा रिस्क हो जाता है। अब अगर हम इसके थोड़े प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इनका टोटल रेवेन्यू लास्ट थ्री ईयर में अच्छा ही रहा है बस टू में कोविड के इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है अब अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की तो वो भी टू को अगर करें तो दो साल में बढ़ा ही है और इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इंड टैक्स भी बढ़ रहा है बट जहां इनके प्रॉफिट मार्जिन हमें इतने अच्छे लग रहे हैं वही एक प्रॉब्लम जो ये हमेशा फेस करते हैं वो है क्रेडिट रिस्क इनके क्लाइंट्स के ऊपर क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है जो इस कंपनी को भारी पड़ सकता है जनरली जब ये अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट सप्लाई कर देते हैं उसके बाद भी इन्हें सेवन टू सेवेंटी फाइव डेज लग जाते हैं अपनी पेमेंट्स को रिकवर करने में और यहाँ इनके क्लाइंट्स की क्रेडिट वर्दीनेस की कोई भी गारंटी नहीं होती है इवन कुछ नेशनल इशूज की वजह से अगर कोई क्राइसिस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट इनके क्लाइंट्स की कंडीशन पे पड़ सकता है और उनकी क्रेडिट वर्दिनेस भी लूज हो सकती है तो उस हिसाब से अगर हम इस टेबल से देखें तो इनके आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 2018 से 2020 में कुछ ज्यादा कम नहीं हुए हैं तो ये रिस्क आने वाले प्रॉफिट और कैश फ्लो पे बुरा असर डाल सकता है अब जब भी हम कोई शेयर्स बाय करने का सोचते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि वो कंपनी कितना ज्यादा डेट में है क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा डेट ले रही है या आगे और अपने डेट्स को इंक्रीज करने वाली है तो अब वो कंपनी या तो अपने डेट के इंटरेस्ट को पे करती रहेगी या फिर अपने शेयर होल्डर्स कोई बेनिफिट प्रोवाइड करेगी और एक इन्वेस्टर तो हमेशा यही चाहेगा कि कंपनी का डेट कम हो और शेयर होल्डर्स को ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट मिले तो यही केस है इस कंपनी के साथ भी अगर हम थर्टी दिसंबर 2020 के हिसाब से देखें तो इस कंपनी के पास 9000 हज़ार मिलियंस की टोटल सिक्योर्ड बोरोइंग्स है जो कि एक बहुत बुरा साइन है इवन इतना बड़ा डेट होने से कंपनी कई तरीकों से रेस्ट्रिक्ट हो जाती है जैसे कि इनको बहुत बड़ा कॉम्पटिटिव डिसएडवांटेज हो जाता है इवन ये अपने अर्निंग्स का मेजर पोर्शन सिर्फ डेट के इंटरेस्ट को पे ऑफ करने में ही गवा देते हैं जिसकी वजह से हो सकता है इन्हें डेली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में दिक्कत हो या फिर किसी टाइप के कैप कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से पहले भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है और तो और अगर कल को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़े तो वो और डेट भी नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर इतना सारा डेट है अब अगर इनका डेट इतना ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको इंटरेस्ट रेट से भी काफी बड़ा खतरा है क्योंकि एज ऑन थर्टी एथ सेप्टेम्बर टू इनका सेवेंटी परसेंट का जो डेट है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे है और ट्वेंटी परसेंट का फिक्सड इंटरेस्ट रेट पे तो ऐसे में जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाला लोन है उसमें मेजर रिस्क ये आ जाता है कि आगे चल के अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट में कोई भी अनफेवरेबल डिसीजन देती है तो इनको और इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा जिससे इनके प्रॉफिट मार्जिन और कम हो जाएंगे जो कि किसी भी इन्वेस्टर को नहीं चाहिए होगा और अब आप खुद सोचिए कि ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी को कभी भी कोई कैश क्रंच हो गया तो तब तो वो इंटरेस्ट पे कर ही नहीं पाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ना पे करने की वजह से वो लोन भी वापस ना कर पाए तो अगर ऐसा हुआ तो इससे जुड़ा एक और रिस्क है कि इनके एसेट्स के पोर्शन है लेंडर्स को अ सिक्योरिटी तो अगर कल को ये कंपनी पैसे चुका नहीं तो आईपीओ तो में ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही हैं। अगर बात करें फ्रेश इशू की तो इन कंपनी दो में यूज करने वाली है पहला है अपने बोरोअर्स को रीपे करने के लिए और दूसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए बट अगर हम बात करें ऑफर फॉर सेल की तो इसमें से आया हुआ कोई भी फंड कंपनी यूटिलाइज नहीं करने वाली है और ऑफर फॉर सेल में कंपनी के चार शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं अब अगर बात की जाए कंपनी के एक्सपोर्ट की तो ये यूएसए जापान साउथ अमेरिका एंड ऐसे ही और भी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं जिससे कि इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है तो अगर कल को कोई भी ग्लोबल या इकोनॉमिकल क्राइसिस होते हैं तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिससे इन्हें नुकसान हो सकता है अगर बात की जाए इनके लिस्टेड पीयर्स की तो इनके कई सारे लिस्टेड पीयर्स हैं जैसे कि भारत फोर्ज लिमिटेड इंडियोरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड ऐसे ही आपको और भी पीयर्स स्टेबल पे दिख रहे होंगे, But अगर हम का 2016 से से तक देखें, तो तो वो ग्रो ही हुआ है। है। है, 2020 में बस COVID है. तो में बस की है, की वजह आया देखा जाए इस काफी बड़ी-बड़ी जो कि काफी नामी है और मार्केट में अच्छा भी कर रही है तो इस पॉइंट से हमें यह समझ आ ही रहा है कि ये इंडस्ट्री काफी ज़्यादा तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है बट अगर हम इनके फाइनेंशियल देखें तो टोटल तो, इनकम और पैट स्टेबल है अब अगर देखें इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो वो ईयर 2018 से 20 के बीच में 15.42 परसेंट का सी ग्रोथ दिया है इनका प्रॉफिट मार्जिन भी देखा जाए तो स्टेबल नहीं है और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है जो कि एक अच्छा साइन नहीं माना जाता अब अगर हम बात करें इनके एंड एवरेज नेटवर्थ की तो तीनों के ही फिगर्स ठीक ठाक है बस 2020 में कोविड का इम्पैक्ट बहुत ही आसानी से दिखाई दे रहा है अब जहां हमने इतने सारे रिस्क की बात की और फिनेंशियल देखा वही इनका एक मेजर प्लस पॉइंट ये है कि ये इतने सालों से इस बिजनेस में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इन्होंने अपने कई सारे क्लाइंट्स जैसे कि डैमलर इंडिया टाटा मोटर्स टाटा क्यूमिन महिंद्रा एंड महिंद्रा रॉयल एनफील्ड जे इंडिया इस सबके साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया है जिससे कि इनकी स्ट्रांग प्रेजेंस मार्केट में पता चलती है वैसे तो क्राफ्ट्समैन काफ़ी पुरानी कंपनी है और अपने सेगमेंट में वेल स्टेब्लिश है और इवन 2020 में रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं जिससे कई सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के प्लेयर्स को इंपैक्ट पड़ रहा है बट यहां एक गुड न्यूज यह भी है कि क्योंकि कमर्शियल व्हीकल से ज़्यादा डील करती है जिसमें ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी गाड़ियां जिसमें अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक मोड में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगेगा तो यह कंपनी इस रिस्क से तो बची हुई है बट जैसा कि हमने इनके सारे फिनेंशियल देखे तो सब पे कोविड का अच्छा खासा इंपैक्ट है देखा जाए तो इसका पी है अराउंड 59 टाइम्स जो कि हमें इनके पीयर्स के कंपैरिजन में ओवरवैल्यूड लग रहा है इवन इसका ग्रे मार्केट पे भी कोई खासा प्रीमियम शो नहीं कर रहा है अब हमने इस आईपीओ से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो कवर कर ली है अब ये भी देख लेते हैं कि आईपीओ आ कब रहा है आईपीओ आ रहा है 15 मार्च से 17 मार्च के बीच में और IPO का प्राइस बैंड है 1488 से लेके 1490 रुपीस। आईपीओ की लिस्टिंग डेट है मार्च 2021। I hope आपको आज का हमारा ये आईपीओ एनालिसिस अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ अगर आप इस आई में अप्लाई करने वाले हैं तो हमें हाँ कॉमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा थैंक यू